अब भगवान तुंगनाथ की कुछ क्षणों में मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाली है। अब हम सभी भगवान के जो जनिमानों के साथ भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा कर स्वस्ति नो बृहस्पति
केदारों में अलग अलग पार्श्व में जो दर्शन दिए, जैसे केदारनाथ में पृष्ठभाग के दर्शन दिए, युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ पे पृष्ठभाग को मान करके शिवार्जन किया। दूसरा केदार मधमेश्वर, वहाँ पे भीम ने मध्यभाग को मान करके शिवार्जन किया। तीसरा तुंगनाथ, अभी आपको बताया कि ये भारतवर्ष के शिव मंदिरों के सबसे शिखर के मंदिर है, 12,772 फुट की ऊंचाई पे। जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया रही है, और कैसे रही? उसके बाद जो है कि पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ जी जो कपाट बंद हुए, वो जो है कि आपके जो है कि चार नवम्बर को कपाट बंद हुए, और वहाँ से भगवान तुंगनाथ जी जो है कि अपने प्रथम प्रणाम चोपता में पधारे। दूसरा पड़ाव जो आता है वो आता है भनपुर नामक स्थान, वहाँ पे भगवान शंकर ने भगवान तुंगनाथ जी 2 दिन रहे, और क्योंकि यहाँ का जो है अंदर जाने का मुहूर्त नहीं निकल रहा था, इसलिए जो है कि एक दिन भगवान को 6 तारीख को भी वहाँ पर रेस्ट करना पड़ा, और 7 तारीख को अपनी गद्य स्थली में पहुँच गए हैं, और अपने जो है कि गंतव्य स्थान पर पहुँच करके यहाँ से जो है कि अभी भगवान तुंगनाथ जी उठेंगे और अपने अंदर चले जाएंगे। बोलो तुंगेश्वर महिमा, 6 महीने ये तो पूरी सारी पूजा अर्चना ही संपादित होंगी, और भगवान तुंगनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न यहीं पे होती है, और 12 महीने यहाँ पे पूजा होती है। जय बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय।